हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नम्रता। क्रिकेट और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का नाता सालों पुराना है। क्रिकेटर्स और बॉलीवुड स्टार्स के बीच न जाने कितने ही प्यार मोहब्बत के किस्से हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के साथ साथ फेरे लिए हैं। ऐसा ही एक कपल है क्रिकेटर युवराज सिंह और हेजल कीच का। युवराज और इस बॉडीगार्ड फेम एक्ट्रेस की शादी के भी खूब चर्चे हुए। दोनों ही स्टार्स के फैंस के लिए ये खबर एक सरप्राइज थी और इन दोनों की लव स्टोरी जानने के लिए लोगों में काफी एक्साइटमेंट भी देखने को मिला था। आज हम आपको बताते हैं युवराज और हेजल की लव स्टोरी के बारे में। सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म बॉडीगार्ड में करीना कपूर की दोस्त का किरदार निभा चुकी हेजल और क्रिकेटर युवराज सिंह की पहली मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में हुई थी। एक इंटरव्यू के दौरान युवराज सिंह ने ये बात बताई थी कि दोनों एक बर्थडे पार्टी में मिले, जहां हेजल की मुस्कान और उनके खुश मिजाज स्वभाव पर उनका दिल आ गया था। उसके बाद युवराज पार्टी खत्म होते ही हेजल के पास गए और फिल्म बॉडीगार्ड में उनके काम की तारीफ की। युवराज ने कहा कि इस मुलाकात के बाद हेजल उनमें कुछ खास दिलचस्पी नहीं ले रही थी। इतना ही नहीं, युवराज ने 7 से 8 बार हेजल से पूछा कि क्या वो उनके साथ कॉफी पर चलना चाहेंगी, लेकिन वो हमेशा ही इस बात को नजरअंदाज करती थी। दोनों के बीच लगभग 3 साल तक कोई मुलाकात नहीं हुई और तकरीबन 3 साल बाद साल 2014 में युवराज सिंह ने हेजल को फिर से देखा, लेकिन फेसबुक पर। यूवी को एक्टर अंगद बेदी की फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में हेजल नजर आई। युवराज ने अंगद से ये तक कह दिया था कि वो हेजल से दूर रहें क्योंकि वो उन्हें पसंद करते हैं। इसके बाद युवराज ने हेजल के फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, जो कि उन्होंने 3 महीने बाद एक्सेप्ट की। हालांकि ये फेसबुक फ्रेंडशिप धीरे धीरे दोस्ती में बदलती चली गई और कुछ समय तक रिलेशनशिप में रहने के बाद हेजल ने युवराज को शादी के लिए हाँ कह दिया। तो देखा आपने, हेजल को अपनी जिंदगी में लाने के लिए युवराज सिंह को कितने पापड़ बेलने पड़े थे। आपको युवराज और हेजल की ये लव स्टोरी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा।